निशांत सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो भाई मेरे सामने आज BYD की E6 खड़ी है। ये वो गाड़ी है जो BYD की सबसे पहले इंडिया में अंदर गाड़ी आई थी, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 72 किलोवाट का। आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, टोटल ओवरऑल रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का। की से पहले स्टार्ट करते हैं तो की आपको कुछ इसमें ऐसी मिलती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनिंग का बटन है, और इससे आप गाड़ी को जो AC है वो स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप गाड़ी भी इससे स्टार्ट कर सकते हो। इंजन तो इसके अंदर आता नहीं है, तो इंजन तो स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, पर ये है गाड़ी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पर फ्रंट प्रोफाइल से कवर कर लेता है। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लेंस मिलता है, हाई बीम और ये लो बीम के अलग, दोनों का अलग अलग पार्ट है। और जो यहाँ पे आपको मिलता है, ये इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। इसमें नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर है। और नीचे देखोगे फॉग लाइट्स वगैरह नीचे कुछ नहीं आती है। बम्पर का यहाँ पे पूरा ही इंटीग्रेटेड है, बम्पर के साथ ही है ये वाला पार्ट जो ग्रिल है, बम्पर के साथ ही मिली हुई है। और ये टेम्परेरी नंबर प्लेट है, BYD का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, और ये पूरा जो है क्रोम का पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। और ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे कोई एडास वगैरह का आपको कोई फंक्शन नहीं मिलता है, जैसे उसमें एटो में और आपको सील में मिलता है एडास। इसमें बिल्कुल प्लेन गाड़ी है। इसमें जो BYD ने जो पहली गाड़ी जब ये लॉन्च करी थी इंडिया में, तो इसका पर्पस कुछ था कि बिजनेस के लिए, B2B के लिए गाड़ी लॉन्च करी थी। लेकिन इस गाड़ी की रेंज को देखते हुए, गाड़ी कंज्यूमर्स को इतना पसंद आ रही है कि B2B तो जा ही रही है गाड़ी, ये B2C भी ये सेल होने लग गई है स्टार्ट। तो लेफ्ट प्रोफाइल में देखते हैं तो लेफ्ट में जो आपको इसके अंदर अलॉय मिलते हैं, सबसे पहले ध्यान जाता होगा अलॉय पे आपका। अलॉय इसके इस टाइप के, मतलब आपको लगता होगा आफ्टर मार्केट अलॉयज हैं, लेकिन ये आफ्टर मार्केट नहीं है, गाड़ी के साथ स्टॉक मिलते हैं। और इसका एक बार टायर प्रोफाइल आप देखोगे तो टायर साइज है इसका 215/55R17 इसका जो है टायर प्रोफाइल है। और टायर प्रोफाइल आप देखो कितनी ज़्यादा लो है इसकी, और मतलब अलॉय के साथ बहुत अच्छी लग रही है इसका, वाइट कलर के साथ। कलर्स इसके अंदर ब्लैक कलर भी आता है, वाइट कलर भी आता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको इसके अंदर है 170mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ORVM। ORVM इसको आपको ना बॉडी कलर मिलता है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर है, और जो ये नीचे है ग्लॉस ब्लैक दिया हुआ है, थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है दूर से आप इसको देखते हो तो। और ये आता है इसका डोर हैंडल, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर एक मिलता है, और यहाँ पे आपको अगर की इंसर्ट का ऑप्शन भी है, अगर जैसे फिजिकली आपको अनलॉक करनी है कार, बैटरी लो जाती की है, तो यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और पीछे ये यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का जो है यहाँ पे मिलता है स्लॉट, CCS टाइप 2 है वाला। इसमें जो है टाटा के या फिर हाईवे पे जो भी आपको चार्जर्स मिलते हैं वो सारे इसके अंदर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ BYD के चार्जर से ही ये चार्ज करोगे, तो किसी से भी इसको चार्ज कर सकते हो। DC चार्जर तो हाईवे पे यूजली आप DC चार्जर ही मिलते हैं, तो DC चार्जर में किसी से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। अब पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको E6 की बैजिंग मिलती है, जो E6 मॉडल का नाम है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक रिवर्स कैमरा मिल गया, और ये जो है वाइपर वॉशर आपको इसमें पीछे मिलेंगे। अब इसका बोर्ड जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ से, अगर मैं की से इसको अनलॉक करता हूँ तो ये अनलॉक हो गया, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर आपको पकड़ के ही करना पड़ेगा इसको। ये इसका कुछ बूट मिलता है, 550 लीटर का बूट है। और यहाँ पे आपको कोई बूट लाइट वगैरह, यहाँ इस साइड आपको बूट लाइट मिलती है, ये शेड्स वगैरह गाड़ी के रखे हुए हैं पीछे। और इसमें स्पेस अगर हम देखें तो स्पेस आपको, स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिलता है। BYD की सिर्फ यही एक गाड़ी है जिसमें आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और स्पेयर व्हील में भी देखोगे टायर ही डोनट टायर है, मतलब यूजुअली जो बाहर का जो साइज़ है ना वो वाला नहीं होगा, डोनट टायर आपको इसके अंदर मिलता है। इंटीरियर के अंदर दिखा देता हूँ उसका क्या हिसाब किताब है पूरा, ये अनलॉक करा। डोर्स में देखो तो पूरा ग्लॉस ब्लैक आपको मिलता है, चारों जो है पावर विंडोज आपको मिलती हैं, विंडो लॉक कर सकते हो यहाँ से, और ORVM इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ फोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। मैनुअल सीट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। इंटीरियर के अंदर चलते हैं एक बार, ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर है, और की मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसको। तो BYD का सबसे लोएस्ट प्रीमियम कार है ये वाली, जिसमें इंटीरियर देखने के बाद पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ यार। ऐसा कुछ ओवरव्यू आता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। फैन स्पीड एक बार कम कर लेता हूँ, ये तो फैन की आवाज आती रही इसमें, ठीक है। ये हो गई सीट, पीछे पूरी पीछे करी हुई सीट मैंने। अब सबसे पहले भाई एक बार ना आप इंटीरियर इसका पूरा देख लो, देता हूँ। इस साइड देखते हो तो यहाँ पे आपको जो है छोटी सी आपको पॉकेट स्पेस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये यहाँ पे अगर आपको कार्ड वगैरह कुछ रखना हो तो यहाँ पे कार्ड रख सकते हो। बाकी ये जो हेडलाइट लेवलर के स्विच है यहाँ पे, ये सारे ये AC के वेंट हो गए यहाँ पे। स्टेयरिंग व्हील पे देखोगे तो इस साइड आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाएंगे, और यहाँ से कॉल पिक कर सकते हो, मोड अगर आप FM to AM, FM to AM जो आप ब्लूटूथ अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। वाइपर के कंट्रोल इसमें आपको राइट साइड मिलते हैं, और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको जो है लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ये इसका कुछ
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो लेफ्ट साइड में देखो जैसे आरपीएम मीटर होता है, ये किलोवाट के हिसाब से चलता है। तो इसके अंदर क्या है, रीजनरेशन भी आपको मिलती है, जिसमें आपको देख रहे होगे यहाँ पे चार्ज के हिसाब से दिख रहा है, चार्ज ग्रीन जो पूरा लेवल दिख रहा है ये -100 तक। तो रीजनरेशन होती है इसके अंदर, जैसे आप डीसेलरेशन करते हो, आप एक्सेलेटर अगर आप ड्राइव करो, अगर आपने एक्सेलेटर छोड़ दिया तो जितना ज्यादा ये निडल नीचे की तरफ जाएगी उतनी बैटरी रिचार्ज होती है। ब्रेकिंग कर रहे हो तो ब्रेकिंग से भी रीजनरेशन होती है, उससे भी बैटरी आपकी चार्ज होगी। ये आपको ओडोमीटर दिखाएगा, गाड़ी अभी तक चलते की है 23,349 अभी गाड़ी आपकी चल चुकी है। और साइड में यहाँ पे जो है स्पीड दिखा रहा है, बीच में कुछ MID के कंट्रोल्स हैं, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये इससे ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखा रहा है, स्पीड वार्निंग, टेम्परेचर क्या है, फ्रंट एयर वॉल्यूम, मतलब क्या किस स्पीड पे चल रहा है, वो सारी चीज आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। और क्या है इसके अंदर, बस यही है। बाकी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बैटरी है गाड़ी के अंदर, ये एम्प्टी और फुल दिखा रहे हैं, जैसे पेट्रोल गार्ड्स में दिखाता है तो वैसे ही ये दिखा रहा है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इसके अंदर मोड जो है एक ही आता है, मतलब जो ड्राइव मोड होता है इसके अंदर, कोई स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड इसके अंदर आपको नहीं मिलता। वो बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 42, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो हाँ ये 42 डिग्री आपको जो बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है। इको मोड पे गाड़ी अभी है, तो ये इको मोड ही लगा रहता है इसके अंदर, जो ड्राइव मोड है वो इको पे ही चलता रहता है इसका, इसमें कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो आपको नहीं मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील जो है आपको इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे इंजन स्टार्ट सो बटन है, और यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विच एडजस्ट करके देखो जैसे हो रहा है यहाँ पे ये। अब आते हैं भाई सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर में आप देखो तो इसमें क्या है, आप जैसे एटो और सील में तो यहाँ पे स्विच मिलता है इस गाड़ी को, मतलब इस स्क्रीन को रोटेट करने का, तो इसमें क्या है, इसमें कोई स्विच नहीं है, इसको मैनुअली आप करना पड़ेगा आपको। ये देखो मैनुअली इसको कर सकते हो, जैसे आपको ऐसे रोटेट करना है स्क्रीन ऐसे हो जाएगी, अब इसको वैसे करोगे तो ये वापिस वैसे रोटेट हो जाएगी। यार इसके अंदर ना कुछ मतलब नॉर्मल स्क्रीन है इसके अंदर, आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आप ले, वायर्ड वायरलेस तो छोड़ो, वायर्ड भी कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वो ऑप्शन है ही नहीं वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो का। स्क्रीन में तो कुछ ज्यादा है नहीं, यही है, बाकी यहाँ से आप एसी के कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ यहीं से आपको ऑपरेट करना, अलग से कोई स्विच इसके अंदर है नहीं एसी का, सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता है। यहाँ पे आपको कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही सामने पैड दिया हुआ है रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं आपके, तो यहीं से आप इसको कर सकते हो, ये देखो यहीं से आपका इसको दबाओगे यहीं से म्यूट हो जाएगा। ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी का स्विच है, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी का ऑप्शन है, और ये आपकी आपके हजार्ड लाइट्स आ गई, ये ब्लोअर ऑन ऑफ करने का यहाँ से कर सकते हो, ये मैंने फिर से ऑन कर दिया। ये फ्रंट डिफॉगर रियर डिफॉगर के लिए स्विच हो गए, और बाकी बीच में आपको जो ट्रांसमिशन का जो स्विच मिलता है वो ऐसा मिलता है पार्किंग जैसे, यार वही नॉर्मल ऑटोमेटिक में होता है, ये रिवर्स न्यूट्रल और ये ड्राइव, सिर्फ इसमें ड्राइव मोड मिलता है, मैं भी न्यूट्रल पे करते हैं, उसको दबाओगे तो पार्किंग पे लग जाएगी। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गया, फैन स्पीड एक बार कम कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गया। और यहाँ पे छोटा सा आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना कुछ भी फोन वगैरह आप चलते टाइम ये ऐसे करके फोन रख सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच में आपको जो है ग्लो बॉक्स मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है इसके अंदर एक, और मैं वही सोच रहा था 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है वो इसके अंदर डाला हुआ उन्होंने, दो आपको टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ स्पेस है इसके अंदर, शायद ये रखा हुआ है, हाँ ऐसे ऐसा कुछ स्पेस है। बाकी भाई स्पीकर की बात करें, स्पीकर सिर्फ इसके अंदर दो स्पीकर्स मिलते हैं, कोई ट्विटर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आगे की साइड आपको एक स्पीकर यहाँ पे मिलेगा, एक स्पीकर वहाँ पे मिलेगा, पीछे कोई स्पीकर नहीं है, स्पेस दिया हुआ है लेकिन स्पीकर कंपनी सिर्फ दो ही देती है। ये इसका यहाँ पे ग्लो बॉक्स है, ये कैसा ग्लो बॉक्स है, डीप तो है यार अच्छा खासा। और ये है इसका वैनिटी मिरर जो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे टिकट होल्डर है, ये बीच में लाइट दी हुई है, ये है LED लाइट जिसमें दी हुई है, जैसे डोर आपको ऑन ऑफ करना हो वैसे करना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट इसमें नहीं आती। चलते हैं पीछे की तरफ, ये पीछे का स्पेस है भाई, पीछे यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर का स्पेस है, स्पीकर इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और जो है पावर विंडो आपको यहाँ मिलती है, ग्रैब हैंडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, और यहाँ से कुछ ऐसा इंटीरियर इसका दिखता है, यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, ऑल स्पेस जैसे स्पेस गाड़ी के अंदर। तो इंटीरियर के अंदर आने के बाद भाई सिटिंग पोजिशन आप देखोगे तो रिक्लाइन एंगल इसका बहुत अच्छा है सीट्स का, और चारों आपको ग्रैब हैंडल वहाँ पे मिलते हैं, 3 सीट बेल्ट पॉइंट्स आपको जो है पीछे मिलेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर है,
तीनों जो हेडरेस्ट वो एडजस्टेबल तीनों मिलते हैं। यहाँ बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ इधर देखोगे तो यहाँ पे कोई सीट्स के अंदर पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है, जैसे आपको मैगजीन या फिर फोन वगैरह रखना हो तो वो कुछ नहीं है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, कैबिन लाइट्स वगैरह जो इसके अंदर मिलती हैं। आगे भी सेम यही है, पीछे भी यही है। ठीक है, पीछे से देखोगे तो आपको डैशबोर्ड ऐसा तो दिखता है, इसमें बीवाईडी का सबसे पुराने वाला लोगो है ये वाला जो इसके अंदर आपको मिल रहा है। सब कुछ पीछे से व्यू है। बोनट आपको एक बार से खोल के दिखा देता हूँ। फ्रंट बोनट में आप देखोगे तो अंदर से मैंने अनलॉक कर दिया। यहाँ से जैसे आप अनलॉक करोगे तो हाइड्रोलिक्स आपको इसके अंदर जो है मिलते हैं, तो ये सब हाइड्रोलिक्स है, पकड़ के रखना आपको वैसे ही है। ये इसका जो है इलेक्ट्रिक मोटर है, 72 किलोवाट का मोटर आता है इसका, जिसपे कंपनी वारंटी देती है 8 साल और 5 लाख किलोमीटर की वारंटी इसमें मिलेगी। ये कूलेंट है बैटरी को ठंडा करने के लिए, यहाँ पे वॉशर वगैरह वो सब कुछ डालना है। और इसका देखो ये फैन चल रहा है, यहाँ पे 2 फैन आपको इसके अंदर मिलते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर मिल जाएगी आपको। बाकी भाई 5 लाख किलोमीटर की वारंटी तो मेरे को लग रहा है बहुत सही है गाड़ी के लिए। इसको ड्राइव पे करते हैं, तो एक बार ड्राइव पे चल लेते हैं। इसका ऐसे कुछ हॉर्न इसके अंदर आपको मिलता है। अच्छा कोई डोर रह गया, एक सेकेंड इसका जो है कोई डोर रह गया खुला हुआ, तो ये बोल रही है बंद करने के लिए, एक मिनट ये रह गया था, खोलो। तो भाई ड्राइव, भाई मैंने सुना है ना, देखो मेरे को जहां तक लगता है लोगों ने जो फीडबैक मुझे दिया है इस गाड़ी का, बोलते हैं कि भाई स्टेबिलिटी, इस कार की स्टेबिलिटी मतलब एक नंबर स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की, मतलब बोलते हैं वो। मैंने, मुझे पता नहीं क्योंकि अब मैं ड्राइव करूंगा, अब मेरे को पता चलेगा, एक बार ड्राइव करके देख लेता हूँ। लास्ट अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले जब एटो की मैंने वीडियो बनाई थी, बट उसमें ये भी था कि स्पोर्ट्स मोड उसके अंदर आता है, तो इसलिए उसने व्हील स्पिन मार दिया था। तो इसमें व्हील स्पिन का कोई ऐसे चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मोड ही एक आता है ड्राइव मोड। तो ये कि इसमें आपको, इसलिए कंपनी क्लेम करती है कि रेंज आपको इसमें बहुत अच्छी निकाल के दे देगी। तो बहुत लोगों ने इसमें 500 के आसपास भी रेंज निकाली हुई है, 520 के आसपास रेंज निकाली हुई है। तो वो रेंज इसलिए निकल जाती है क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स पे लगाओ और भगाओ इसको, तभी रेंज कम होती है। तो यार नॉर्मल वैसे ही होता है, सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों में होता है, आप भगाओगे उसको तो एवरेज कम देगी। सेम ऐसी ईवी में होता है, उसको भगाओगे तो वो भी रेंज कम ही देगी आपको। बट ये ड्राइव में भाई बहुत स्मूद है गाड़ी, और इसका जो है स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूद है, स्टीयरिंग भी रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे मैं हल्का सा भी टर्न करता हूँ तो रिस्पॉन्स करता है, तो स्टेबल तो है गाड़ी जैसे मैं चला रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस पूरा है। जैसे ब्रेकिंग भी इसके हिसाब से ही है कि ब्रेकिंग अगर मैं लेता हूँ तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं स्पीड पर ब्रेक ले सकता हूँ। तो बाकी बॉडी रोल गाड़ी के अंदर नहीं है, बहुत हल्का सा फील होता है लेकिन बॉडी रोल गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कि मैंने सब कुछ तो कवर कर ही दिया है, इसके अंदर कुछ रह गया हो मेरी तरफ से तो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।